मस्जिद कुबा के बाहर बहुत ज्यादा रश है, ये देखें आप। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो लिफ्ट भी आ गई है हमारी, ऊपर जाएगी 4 पे फिर नीचे आएगी। तो ब्लॉग करते हैं यहाँ शुरू, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र के साथ आज ब्लॉग करते हैं शुरू। गाइस आज का मेरा ये प्लान है कि मैं आज जा रहा हूँ मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा में जाके नफल अदा करेंगे। मस्जिद कुबा में जाके नफल अदा करके तो फिर हम वहाँ आपको एक जगह नई दरासत हुई है वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो पहले चलते हैं हम मस्जिद कुबा, फिर आपको साथ साथ चीज़ें भी दिखाते हैं जो दिखाना, ठीक है। ठीक है, हम निकालेंगे वहाँ से साइकिल और नीचे मैं आ गया हूँ। नीचे भी धूप है, एक बिल्ली भी बैठी हुई है यहाँ पे, छोटी है, बड़ी बिल्लियाँ इस साइड पे। तो बड़ा प्यारा माहौल है, हवा भी ठंडी चल रही है। ये देखें, ये इनकी सिक्योरिटी बैठी हुई है, सिक्योरिटी जा रही, सिक्योरिटी गाड़ी। इधर साइकिल लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं आगे। बड़ा प्यारा मौसम हुआ है मदीना पाक का, ठंडा धूप भी है लेकिन ठंडी हवा चल रही, सर्दी लग रही है बाहर। तो अब मस्जिद कुबा का सफ़र शुरू करते हैं यहाँ साइकिल लेके। साइकिल निकाल ली, इसकी बैटरी है फुल बटा फुल। तो इधर को हम चलते हैं, एक भाई ने निकाल लिया। ये सामने आ गई है मस्जिद कुबा। तीसरे गियर पे चला रहा हूँ मैं, और इसकी स्पीड इस टाइम 15 पे है। हम अपने वाली साइड पे हो जाए, देखिए साइड बाग भी है। आपको एक ख़ास जगह आज दिखाऊंगा जो नई जगह बरामद हुई है। एक सर्च, काफ़ी सर्चों के बाद ना फिर एक जगह का वो जगह ढूंढते हैं। पहुँच चुका हूँ मस्जिद कुबा, इस साइड मस्जिद कुबा है। और ये देखें, ये यहाँ लगा हुआ था इफ्तार कैंप लगा हुआ था यहाँ पे। आपको मैंने यहाँ इफ्तारी भी की है, उसके व्लॉग का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ये देखें, ये अब उतार रहे हैं, जंगला रह गया, कपड़ा ऊपर से उतार दिया। तो बस जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं, अंदर जाके नफर पढ़ते हैं और यहाँ दो नफर पढ़ के तो फिर हम आपको जगह दिखाएंगे। आज काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि ज्यारतें आई हुई हैं। ज्यारत करने जो लोग जाते हैं ना मस्जिद कुबा में भी ज़्यादा रश होता है। कई लोग आते ही सिर्फ मस्जिद कुबा है ज्यारत के लिए। ये नीचे सड़क चल रही है, तो जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं, अंदर जाके नफल अदा करके फिर आपको मिलते हैं। आगे अंदर आ चुके हैं, अंदर बहुत ज़्यादा रश है आज क्योंकि आज दूसरे मुल्कों के ग्रुप बहुत ज़्यादा आए हैं। यहाँ से पीते हैं पानी जमजम। हमने यहाँ से ग्लास लेना, यहाँ टूटियों का एक बस मसला है, टाइट चल रही है। ये देखें यहाँ पानी की, चले जब नफल पढ़ते हैं यहाँ पे। मेरी कोशिश होती है मैं रोज़ आके यहाँ पे नफल पढ़ूँगी। देखें सामने ये मीनार है और एक वो मीनार है। नफल अदा कर लिए हैं तो
अब मैं निकलता हूँ बाहर, आपको वो दो मकाम दिखाता हूँ, एक तो आपको मैंने पहले भी दिखाया था, एक जो नया है वो आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अब बस चलते हैं, माशाल्लाह फुल रश है, आपको मैंने दिखाया था मस्जिद कुबा के बाहर बहुत ज़्यादा रश है, ये देखें आप भी। आपको मैं वो मकाम दिखाता हूँ, पहले तो वो देखें, वहाँ ग्रुप खड़ा है इतना बड़ा, ये जो यहाँ इसका भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिससे वो नबूवत की मोर लगाते थे ना, वो वाली अंगूठी इस कुएं के अंदर गिरी थी। फिर किसी सहाबी ने इस कुएं की रेत और पानी सब कुछ खाली किया, लेकिन खाली करने के बावजूद फिर भी इसमें वो नहीं मिली अंगूठी। तो वो अभी तक क्या सुन, ये लिखी हुई बात यही है कि इस जगह में अभी तक अंगूठी इस जगह पे ही है। तो मैं आपको उसका वो दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना उसे पीछे से। ये जितनी जगह पे गोलदायरा बना हुआ है ना, इतनी जगह पे कुआं है, पीछे से आपको मैं इसका वो दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना। देखिए इस मकाम का ये नाम है और ये सारा लिखा हुआ है, आप अगर इसे रोक के पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी है और उर्दू भी है। अगर आप इसे QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके अपने मोबाइल पे मिल जाएगी। तो सात बिन वहाँ लिखा हुआ, मैं देखता हूँ, मुझे याद नहीं। ये जनूबी साइड का जो मीनार है ना, इसका मतलब कुबा का जनूबी साइड का, उस साइड पे एक मकाम बरामद हुआ है, उसका नाम है सात बिन ख्याब। तो उस ये यहाँ पे वो लगाया हुआ है, देखें ना इसका, आप पढ़ भी सकते हैं रोक के से, ये आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपका ये सारा निकल आएगा। ये आप अगर पीछे आते हैं ना, पिछली साइड पे मस्जिद कुबा की बैक साइड, जिस साइड पे आप देख सकते हैं कितने नंबर, 17 नंबर गेट के पास आप आएँ, यहाँ पर मकाम है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा बाहर को निकलता हूँ, तो अब देखते हैं क्या करना है। जितने भी यहाँ इस टाइम पे है ना, जितने भी ग्रुप आए हैं जिन्होंने इस आज के, मुझे लगता है ज़्यारत वही अभी तक आई है, सारे ये हैं वहाँ के फिलिपाइनी और सुतानी, फिलिपाइनी सारे वही हैं और कोई भी नहीं अभी तक बंद। वो देखो ना, वो उधर काम चल रहा है, रश भी बहुत ज़्यादा हुआ है, मैं नीचे जा रहा हूँ। गाइस यहाँ पे ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता काम ख़त्म हो रहा है ना, रमज़ान का रश ख़त्म हो रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा रश ज़्यादा है, क्योंकि ये जो दूसरे मुल्कों के हैं ना, इन्होंने आखिरी दिन अपनी वो करनी होती हैं ज़्यारतें, और उसी दिन ज़्यारतें करके उन्होंने मक्के जाना होता है या एयरपोर्ट पे जाना होता है। यहाँ पे काम हो रहा है, ये देखें जी वो गाड़ी जा रही है हरम में, ये तैयार हो रही है, वो देखो उसने भी उठा देना, सारा उठा के खोल देना। चलें जी वहाँ से साइकिल लेंगे, साइकिल पर थोड़ा सा फिरेंगे आज, साइकिल का शौक पूरा करेंगे, चलाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। चेक करनी है थोड़ी सी चला के, अगर सही हुई फिर लेंगे, क्योंकि इसने आज मुझे बड़ा खपाया, पहले मैं लेके आऊँ, मेरी टांगे दर्द करने लग गई थी चला चला के, बहुत ज़्यादा टायर था इसका पैंडल, देखते हैं पहले। हमें मिल चुकी है बिल्कुल सही साइकिल, तो रैंप भी हैं, तीन रैंप हैं इस जगह, हम उधर से चलते हैं जिधर से एक आएगा रैंप, हमें यहाँ से तीन रैंप आते हैं, तो रैंप भी इन्होंने बहुत अच्छा से बनाए हुए हैं, देख रहे हैं आप, फुल एक तरफ का झटका लगता है इस पर। ये देखें जी वो खुशबू तैयार हो रही है वहाँ पर, खुशबू और धुएँ वाली हो रही है, सारा रोड आज टूट रहा है, गाड़ी आई हुई थी आपको मैंने दिखाया, क्या बात है भाई, त्रिकुबा की भी यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यहाँ से चल के आते थे और चल के जाते थे। साइकिल लगा दी है मैंने यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ होटल में, मैंने कुबा की नफल भी पढ़ ली और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। तो ये होटल में आ गया हूँ मैं, कुछ कबूतर मारे यहाँ पे भी आए हैं, देखें ना इकट्ठे नहीं है अभी बैठे हुए, क्योंकि अंदर सलूक नहीं है यहाँ वाला, ये जो हमारे पास रहते हैं उनमें सलूक नहीं है। तो बस अब होटल में पहुँच जाते हैं,
पहुंच के तो रेस्ट करेंगे तो फिर असर ये जोहर के टाइम हम पाक जाएंगे, ठीक है, साइकिल पे ही जाएंगे। वो देखें कैसी गाड़ी है, ठीक है, टाइम होता है अब तकरीबन टाइम हो चुका है 12:20 और लिफ्ट भी हमारी करीब करीब ही है, 4 पे है, नीचे आएगी। यहाँ पे मैं टाइम तो कितना हो गया, 12:20 और यहाँ पे एक असूल है, ये देखें ना अभी जाने हो रही हैं जहर की और ये बच्चियाँ स्कूल से आ रही हैं और यहाँ पूरा रमज़ान स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि होती ज़रूर हैं कई स्कूलों में रमज़ान, अगर ज़्यादा गर्मियों में आए तो फिर छुट्टियाँ होती हैं, तो कई लोग जो हैं वो छुट्टियाँ खुद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ छुट्टी ही होती है रमज़ान पूरा रमज़ान छुट्टी, और हज से भी कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद छुट्टी होती है। तो आपने सोचा होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, हरम पाक में बिल्कुल नहीं अभी जा रहा, मैं जाऊँगा असर के टाइम हरम पाक। अब मैं जा रहा हूँ अपनी कटिंग करवाने, यहाँ रास्ते में यहाँ सलून है एक, वैसे ये भी एक सलून ही है, इससे पता कर लेते हैं यहाँ हो पता ही ना हो, गल ही है सलून वाला। हम जाते हैं यहाँ थोड़ा सा आगे, एक पाकिस्तानी सलून वाला है, हम उसके पास जाते हैं, अजान भी हो रही है। गाइस ये सलून है, अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं खाली है कि है कोई बंदा। One hour later. कटिंग करा के वापस, अब आपका फाइनल लुक जाके अपनी ऊपर ही दिखाऊंगा, 3 पे जा रहा हूँ। जी गाइस मैं आ गया हूँ कटिंग करवा के ऊपर, आ चुका हूँ, टोपी मेरे हाथ में है क्योंकि बाल थे तो मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं करवाई, हाथ करवाया हल्का सा और अपने बाल थोड़े से कम करवाए, ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हो गए थे। तो अब जल्दी जल्दी नहाते हैं, नहा के तैयार होते हैं, फिर देखेंगे हरम पाक जाना है कब। One hour later. मैं हो चुका था रेडी हो के, अब देखें मैंने कटिंग करवाई है बाल यहाँ से भी छोटे साया पीछे से भी और खत भी करवाया, और अब बस मैं निकलने वाला हूँ हरम पाक के लिए, तो चलते हैं। लिफ्ट भी ऊपर आ रही है, अभी 0 पे है, मतलब 1 फ्लोर पे, अभी तक ऊपर का नहीं ऑप्शन आ रहा है, ये जब ब्लिंक करना शुरू होगा ना तब ऊपर आएगी, ये ऊपर आनी शुरू होगी। तो ये था, अब मैं जा रहा हूँ हरम पाक, पहले मैं कुबा गए इसलिए वहाँ नफल पढ़ के आके थोड़ी देर रेस्ट की, रेस्ट करके फिर कटिंग करवाई है, कटिंग करवा के नहा धो के फ्रेश हो गए, लेटा हूँ थोड़ी देर, नींद मर के आई है, लिफ्ट अभी ऊपर चले गई है 4 पे आती है, तो हम नीचे चलते हैं, नीचे जा रहे पानी पूरी पीते हैं ठंडा पानी, तो फिर हम चलते हैं हरम पाक का अपना सफ़र शुरू करते हैं, साइकिल पे जाएंगे, साइकिल बाहर है और आपको जल्द से जल्द साइकिल के बारे में भी व्लॉग मिल जाएगा। लिफ्ट में तो मैं अंदर आ चुका हूँ, तो लिफ्ट जा रही है नीचे, नीचे जाके साइकिल लेते हैं, साइकिल लेंगे तो फिर जल्द से जल्द हम निकलते हैं अपने सफ़र के लिए, ठीक है। तो फ्रेश हो गया, कटिंग करा के गर्मी उर्मी कम होने लग गई है, आ गया मैं नीचे आके बाहर, अभी धूप है बाहर थोड़ी थोड़ी, वहाँ से पानी पीते हैं फिर चलते हैं। गाइस अभी साइकिल मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ साइकिल भी कोई भी नहीं है खड़ी हुई, देख सकते हैं स्टैंड में से नज़र आता है टायर अगर लगा हुआ हो ना, तो मैंने लिए हमदियात सऊदी हमदियात, इसे हमदियात कहते हैं, ये यहाँ की ही है सऊदीया की, बाकी जो 7-Up वगैरह हैं वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती हैं, तो ये पीते हैं, मुझे यही पसंद है यहाँ की, और यही पसंद है, या अगर पीनी हो 7-Up बस ये पीते हैं, अभी इतनी देर में साइकिल भी आ जाएगी फिर चलते हैं। इतनी देर के बाद एक साइकिल आई तो है, बैटरी इसकी फुल हो, बैटरी भी सही है, चलते हैं हरम पाक। पहले मैंने सीट अपने मुताबिक कर ली है और इसका बस पैंडल यहाँ से हल्का सा है जो था बस, ये यहाँ से बस चलते हैं, कोई मसला नहीं है, हमें इतनी खैर है, चलें जी। गाइस मैं निकल तो चुका हूँ साइकिल पे, बिल्कुल ठीक चल रही है, तो थोड़ा सा रमरा गया, पहुँच के पार्क को मिलते हैं। गाइस मैं आया था अलबैक के पास लगाने, इस बिल्डिंग में अलबैक है, अलबैक के पास साइकिल लगाने आया था, और ये सामने जंतुल बकी की दीवार है और सामने उहद है, और मैं अमरजिया में हूँ इस टाइम, तो थोड़ी देर में हरम पाक पहुँच रहा हूँ, हरम पाक असर की जमात खड़ी हो गई है, जमात मिल जाएगी हमें, जल्दी जल्दी चलते हैं जी। हरम पाक में पहुँच चुका हूँ, मैंने अभी अंदर जाऊँगा, अंदर जाकर अपनी नमाज पढ़ जाएगी, जमात तो गुजर गई समझो, आखिर अब सलाम फेरने वाले हैं,
सामने मुरीदा आ गया, सब सब अपना अपना सलाम पेश करने सुला दो, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ये देखें जी, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो चाहे असर की नमाज है, असर की नमाज में भी लोगों को अंदर नहीं जान देते हैं जब तक सब लोग अंदर से बाहर नहीं आ जाते। तो अब इस टाइम में अंदर जान दे रहे हैं, खाली जगह है, कोई रश नहीं। तो इस टाइम असर के टाइम बाहर भी बहुत ज़्यादा नमाज होती थी, क्या शान है वैसे रमज़ान की। सलाम पेश करने में बाहर आया था, वाशरूम गया, वजू किया है और अब मैं जा रहा हूँ सलाम पेश करने। तो आपको जा करीब जा कर मिलते हैं। चलो ये देखें सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, सलाम पेश करने के लिए करीब करीब पहुँच रहे हैं। क्या बात है भाई, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम, क्या बात है भाई। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल का साबिका या हबीबुल्लाह। आज आपको मैं छोटी सी जगह दिखाता हूँ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परनाला अपने हाथ से लगाया था, उस जगह पे इन्होंने थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो जगह है ये हमारी, ये जगह है। इधर भाई इधर आ जाओ, इधर तरफ 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 इधर से इधर इधर भी चलो। कभी उर्दू आ गई यार भी, कभी उसी जगह बैठ गया था जहाँ पहले बैठा था, मैंने असर की नमाज पढ़ी थी, जहाँ इंशाल्लाह मगरब के भी यहाँ पढ़ेंगे। मैं निकल चुका हूँ हरम पाक से अपने घर की तरफ को, तो माशाल्लाह से आज हरम पाक में ही रहे हैं, ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।